चुनाव है उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 5 साल में वसुंधरा सरकार ने जो हालत की और उदयपुर की हालत जो गुलाब कटारिया साहब ने की, वो लोगों के जहन में है। न लोगों को गेहूँ मिल रहा, न उनकी सड़कें हो रही। जो मेरे टाइम पर पानी की व्यवस्था हमने की थी वो सब समाप्त हो चुकी है। बहुत हालत ख़राब है। ऐसे हालात में लोग पूरी तरह से इस बात पर अपना है कि कांग्रेस की सरकार बने। इस बार का जो घोषणा पत्र है इसमें काफ़ी आपने वादे किए हैं और बीजेपी सरकार ने भी काफ़ी वादे किए हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? जो बीजेपी सरकार ने तो पिछली बार भी वादे किए थे, एक वादे की पूर्ति नहीं हुई थी। लेकिन मुझे मालूम है कि अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी तो उन्होंने सरकार प्रशासन को अपना घोषणा पत्र दिया था कि इसके अनुसार कार्य करें और 95% काम हुए थे। लेकिन इन लोगों से कुछ नहीं किया, हमने जो वादे किए उसको पूरा करें। जी मैम, इस बार के जो चुनाव हैं वो किस तरीके से खास हैं? कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है एमपी में भी, राजस्थान में भी, और हम लोग सभी स्थानों पर कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि लोग मोदी जी के झूठे वादों से भी तंग आ चुके हैं और राज्य सरकारों के झूठ से भी तंग आ चुके हैं। विकास का काम नहीं होता, समय के विकास का काम नहीं होता, आम जनता का काम नहीं होता, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाते हैं, सब कुछ मिला करके लोग दुखी हैं और इंतजार में कब वो घड़ी आए जब वोट दें कांग्रेस।